किसी गांव में एक साधु रहा करता था। उसकी खास बात यह थी कि वो जब भी नाचता तो बारिश होती। इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती तो वे साधु के पास जाते और उसे अनुरोध करते कि वो नाचे, और जब वो नाचने लगता तो बारिश जरूर होती। एक बार कुछ लड़के शहर से गांव घूमने आए। जब उन्हें ये बात मालूम हुई कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। अपनी शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी नहीं होगी। फिर क्या था, अगले दिन सुबह सुबह ही गांव वाले उन लड़कों को लेकर साधु की कुटिया पर पहुंचे। साधु को सारी बात बताई गई। फिर लड़कों ने नाचना शुरू किया। एक घंटा बीता और उनमें से एक लड़का थककर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर में दूसरे ने भी यही किया और दो घंटे बीतते बीतते बाकी लड़के भी थककर बैठ गए, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। एक घंटा बीता, बारिश नहीं हुई। साधु नाचता रहा। दो घंटे बीते, बारिश नहीं हुई, पर साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर सभी लड़के हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत साधु से क्षमा मांगी और पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों हुआ कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से हो गई? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो दो बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात, मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी ये कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। दोस्तों, सफलता पाने वाले लोगों में यही गुण होता है कि वो जिस काम को करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा यकीन होता है, और वे तब तक उस काम को करते रहते हैं जब तक कि उसमें सफल ना हो जाएं। इसलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो हमें उस साधु की तरह ही खुद पर भरोसा रखते हुए निरंतर प्रयास करते रहना होगा। यकीन मानिए, सफलता मिलनी निश्चित है।